हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं फैंटेसी वर्ल्ड से जुड़े हुए जो फैंटेसी गेम्स वगैरह है किसी भी तरह की आप ऑनलाइन गेम है या गैम्बलिंग कहो या बैटिंग कहो या ऑफलाइन भी कहो उनके लिए या जिनके परिवार वाले इनसे जुड़े हुए कोई परिवार का सदस्य कोई जुड़ा हुआ है जो परेशान है उससे so, उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और शॉकिंग न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट क्यों है और शॉकिंग क्यों है आपको आपके वीडियो में मालूम पड़ जाएगा जैसे आज से तीन चार महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भी इंडिया के आईटी मिनिस्टर ने आकर के कल इंडिया के कई नेशनल न्यूज़ चैनल पर ये बात बोली है कि जितनी भी साइट्स पर पैसा लगा करके लोग गेम खेल रहे हैं मतलब एक तरह का जुआ खेल रहे हैं ऑनलाइन बैटिंग कर रहे हैं वो उस पर हम रोक लगाने जा रहे हैं और हमारा पूरा का पूरा उस पर खाका तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसको अप्लाई करने वाले हैं मतलब इंडिया में ऑनलाइन गेमलिंग बंद होने वाली है ये ऐसा उन्होंने आके बोला था अपने न्यूज़ में आपको मिल जाएगा गूगल वगैरह पे यूट्यूब पे उनका ये मिल जाएगा बाइट आ, कई न्यूज़ चैनल को उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन गेमलिंग को हम बंद करने जा रहे हैं जो पैसा लगा रहे हैं जो पैसा नहीं लगा रहे वो तो ठीक है पर जो अगर पैसा लगा रहे हैं पैसा आ रहा है जा रहा है वो उसको हम बंद करने जा रहे हैं तो मैंने उसके ऊपर अपना रिव्यू दिया था और मैंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं तो अच्छा है कि भी जैसे अब दुनिया हिंदुस्तान में ड्रग्स भी पीती है ड्रग्स बिकती भी है ख़रीदी भी जाती है पर गवर्नमेंट ने उसको इलीगल किया हुआ है तो वो खुलेआम नहीं हो रही है और इलीगल है ठीक है तो मुझे लगा कि यार ठीक है गवर्नमेंट का स्टेप है पर आज से दो हफ्ते पहले हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कहा कि हम ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है और किसी भी तरह की गेमिंग इंडस्ट्री है जिसमें इंटरटेनमेंट टैक्स अप्लाई होता है चाहे वो कसिनो है या ऑनलाइन है कुछ भी उस पर हम 28 परसेंट जी लगा रहे हैं तो पहले खबर क्या आई थी कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं जिस पर भी पैसा लग रहा है फिर अचानक खबर आती है दो हफ्ते पहले कि हम इस पर अट्ठाईस परसेंट लगा रहे हैं अभी कल फिफ्टी मतलब इक्यावनवी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बोलते ना उसकी बैठक हुई जिसमें ये फाइनल हो गया कि दो हफ्ते पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था अट्ठाईस परसेंट जी लगाने का वो फाइनल हो गया कि वही रहेगा पहले उम्मीद थी कि शायद शोर मचेगा लोगों ने प्रेशर भी डाला जिनकी इंडस्ट्री है ये कि भी इसको कम करो आप अट्ठारह कर दो तो उसमें फाइनली माहौर ये लगेगी अट्ठाईस परसेंट जी लगेगा बाकी मैं इसको समझाने के लिए हो सकता है कुछ चीजें स्क्रीन पर टाइप करके या अलग से मैं बोर्ड लगा करके समझा दूंगा आपको इसके ऊपर वीडियो अब कल ये फाइनल हो चुका है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अट्ठाईस परसेंट जीएसटी लगेगा अब इसका मतलब ये है कि जो पहले इन्होंने कहा था कि हम इस पर रोक लगाने जा रहे जो आईटी मिनिस्टर ने कहा था कि जिस भी ऐप पर जिस भी गेम पर अगर पैसा लगेगा हम उसको बंद कर देंगे हमने उसकी तैयारी कर ली है अब ये कह रहे हैं कि उसको बंद नहीं करेगा करेंगे उस पर अट्ठाइस परसेंट जीएसटी लेंगे अब जी किस चीज पर लगेगा ये कंपनियों से नहीं लेंगे ये ऐप या वेबसाइट वालों से नहीं लेंगे ये आपके डिपॉजिट पर पैसा लेंगे फेस वैल्यू पर मतलब आप अब आप इस बात को समझो कि अगर कोई आदमी सौ रुपये जमा करता है किसी गेम में लूडो में जंगली रम्मी में ड्रीम इलेवन में किसी भी जगह पे कसिनो गेम कोई भी गेम में अगर वो सौ रुपये जमा करता है तो जमा करते ही उसके सबसे पहले अट्ठाईस परसेंट सरकार को जीएसटी चले जाएगा मतलब अगर आपने सौ रुपया किसी गेम में जमा किया तो आपको बहत्तर मिलेंगे उस गेम को खेलने के लिए अट्ठाईस सरकार को चले जाएगा ठीक है अब वो बहत्तर रुपये से आप खेले और खेलने के बाद जब आप जीतोगे तो एज पर इनकम टैक्स रूल उस जीते हुए अमाउंट पर आपको तीस परसेंट टी देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल होगा मतलब टैक्स लगेगा सेज वैज मिला करके वो मेरे ख्याल से बत्तीस तैतीस ही पड़ेगा पर आप तीस परसेंट मोटा मोटा मान लो मतलब पहले तो जमा करते ही अट्ठाईस प्रतिशत आप सरकार को जीएसटी दोगे मतलब इस इंडस्ट्री को तो लीगल कर दिया उन्होंने जो भी जीएसटी आपसे चार्ज करके सरकार को जमा करेगा मतलब वो लीगल हो गया अब कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को किसी का घर बर्बाद हो कुछ हो जैसे पहले वो कह रहे थे कि इसको हम बंद करने जा रहे हैं ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है और इससे लोग बर्बाद हो रहे ये हो रहा है वो हो रहा है अब वो कह रहे कि अट्ठाइस प्रतिशत हमें दे दो तुम बर्बाद होते हो, हो जाओ हट बस अब उसमें से अट्ठाइस प्रतिशत हमें भी चाहिए तो अब ये उन कंपनियों से नहीं चार्ज कर रहे पहले तो उन कंपनी जैसे कसीनों से अट्ठारह प्रतिशत ये लेते हैं तो मैं बताऊंगा आगे की भी कि सरकार ने क्यों इतना बड़ा टैक्स लगाया तो अब ये कह रहे हैं कि यार जब दुनिया बर्बाद हो रही तो उनकी बर्बादी का अट्ठाईस हम भी लेंगे और जी डिपॉजिट करने पे लेंगे उसका रिजल्ट क्या रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता मान लो आपने सौ रुपये जमा किया आपने सौ रुपये से पाँच सौ रुपया बनाया पाँच सौ रुपये आप निकाल रहे हो तब अगर सरकार कहे कि विड्रॉल पे मैं अट्ठाइस प्रतिशत लोगों समझ में आता है कि आपने जीत लिया है इसलिए हम ले रहे हैं नहीं आपके डिपॉजिट पर अट्ठाईस प्रतिशत लिया जाएगा भले ही वो आपके बहत्तर रुपये डूब जाए और अगर बहत्तर रुपये को आपने एक सौ बहत्तर बनाया तो उस सौ रुपये के जब एक सौ बहत्तर रुपये निकालोगे या सौ भी निकालोगे तो उस पर भी तीस रुपये सरकार को चाहिए टी डी एस इंटरटेनमेंट टैक्स कहो या कुछ भी कहो उसको अब मतलब आप समझ रहे हो आप कि आप सौ रुपये जमा करके अगर आप प्लस में भी हुए तो अट्ठावन प्रतिशत सरकार लेगी बच्चे बयालीस प्रतिशत उस बयालीस प्रतिशत में भी कहते हैं कि बारह प्रतिशत प्लेटफॉर्म फी होती है मतलब वो कसीनो भी कुछ चार्ज करेगा चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो जो भी है पर आप सोचो आपके पल्ले क्या बचेगा आप इसको इलीगल घोषित कर दो समझ में आता है कि भाई ये गैर कानूनी है इससे देश बर्बाद हो रहा है इससे देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं पर आपने क्या किया कि हमें बर्बादी से मतलब नहीं है हमें तो आप अट्ठाइस प्रतिशत दे दो एक तरफ से तो आप कई जगह पर शराब बंद कर देते हो और दूसरी तरफ से आप जुए को लीगल बना दिया आपने तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि सरकार खुद कंफ्यूज है उन और उनकी खुद की मंशा क्या है सरकार इसके पीछे ये कहती है कि हम लोग कई चीज़ों पर अट्ठारह प्रतिशत टैक्स लेते हैं खाने पीने की चीज़ों पे ये तो मनोरंजन है ये तो लग्जरी है ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में आते हैं ऑनलाइन गेमिंग करते हैं इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनटेनमेंट पर तो खाने पीने से ज़्यादा टैक्स होना चाहिए ये उनका लॉजिक है तो इसलिए जी हम अट्ठाईस टैक्स ले रहे हैं अगर मान लो इससे अगर कोई आदमी नहीं जुआ छोड़ता है तो वो तो और ज्यादा बर्बाद हो गया मतलब उसके पल्ले तो कुछ बचा ही नहीं इसीलिए हमारे देश में अमीर और अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है ऑनलाइन गेमिंग वालों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी क्वांटिटी तो जरूर कम होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि यार इसमें एक ना खेले पर उनके प्रॉफिट से नहीं कट जा रहा वो तो पब्लिक से चार्ज कर रहे हैं आपसे सौ रुपया लेंगे अट्ठाईस रुपये सरकार को देंगे बहत्तर रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे खेल लो इससे तो ये अपने आप में मतलब बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मालूम है जो हिंदुस्तान से लोग गोवा में या सिक्किम में जाके कसीनो में खेलते हैं वो अब नेपाल और श्रीलंका में जाके खेलेंगे वहाँ हारेंगे मतलब इंडिया का पैसा बाहर के देश में ले जा करके बाहर के देश को देंगे जबकि इसका फायदा ये होता है कि इसका इसका एक रूप यह होता है कि बाहर का पैसा यहाँ आए या यहाँ का यहाँ रहे आपको उन गेमिंग इंडस्ट्री को या तो इलीगल करना चाहिए या आपको उसको कौन आ गया तो या तो इलीगल करना चाहिए या उस पर टैक्स कसिनो से या वेबसाइट वालों से चार्ज करना चाहिए आप कस्टमर के डिपॉजिट पे चार्ज कर रहे हो हाँ इसमें एक उन्होंने बहुत एहसान किया है कि जैसे आपने सौ रुपया जमा किया और अट्ठाईस रुपये टैक्स ले लिया बहत्तर रुपये से आपने हजार रुपये भी बना लिए या पाँच बना लिए या दो बना लिए उस पर आपको दोबारा टैक्स नहीं देना होगा मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने दस हज़ार रुपये कसिनो में बाइंग किया तो आपको बहत्तर सौ की चिप मिलेगी बहत्तर सौ की चिप मिलने के बाद में आपने उससे जीत लिया तो जीतने के बाद आपने दोबारा और चिप खरीदी तो दोबारा खरीदने पर टैक्स जी एस टी जी एस टी हम आपसे पहली बार के डिपॉजिट पर ही लेंगे अब इससे होगा क्या इससे पब्लिक विड्रॉल नहीं करेगी ऑनलाइन वाले अब विड्रॉल कम से कम करेंगे और पैसा उसमें रखेंगे क्योंकि हर बार डिपॉजिट पे अट्ठाईस प्रतिशत देना पड़ेगा तो जीता हुआ अमाउंट वहाँ ही रखेंगे ये एक नुकसानदेह वाली बात है उनके लिए और जैसे ही वो विड्रॉल करेंगे तो तीस प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा तो इंडिया में मैं वैसे भी बोलता हूँ कि इंडिया के जो रूल है ना वो बिल्कुल एंटी पीपल है मतलब आ, अमीर और अमीर गरीब और गरीब जो लू का फायदा उठा लेगा वो बच जाएगा मतलब अगर आप सोचो कि अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो तो छोटा मोटा आदमी बनकर जिंदगी जी सकते हो पर अगर आपका व्यापार चल निकला और आपने बीस लाख रुपये से ज़्यादा आपके अकाउंट में आ गया तो आपको जी एस लेना पड़ेगा जीएसटी का ऑन एन एवरेज स्लैब जो है वो अट्ठारह प्रतिशत मान लेते हैं हम दूसरा आपने अगर पंद्रह लाख रुपए साल में कमाया तो आपको तीस प्रतिशत सरकार को देना पड़ेगा मान लेते हैं आपने साल का पंद्रह लाख रुपया कमाया जो कि बड़ी आम बात है पंद्रह लाख रुपये अगर आपने सरकार कमाया तो आपको तीस सरकार को देना पड़ेगा और पंद्रह लाख रुपए कमाने के लिए आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी होगी वो बीस लाख से अगर ऊपर गई तो आपको जीएसटी एस लेना पड़ेगा अट्ठारह प्रतिशत जी मतलब तीस प्लस अट्ठारह आप आपको सौ रुपया आपके पास आता है तो आपको अड़तालीस रुपये सरकार को देना है बचा आपके पास बावन प्रतिशत उस बावन प्रतिशत मुनाफे से आप जो भी अपने घर का सामान खरीदोगे जो भी कुछ खरीदोगे उसके ऊपर ऑन एन एवरेज आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा वो भी आप अट्ठारह लगा लो अगर आप एक माचिस भी खरीदते हो तो उसके अंदर भी एम के अंदर टैक्स इंक्लूड होता है आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हो तो उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूड होता है और ये सब मतलब आप पहले तो कमाने के नाम पर अट्ठारह प्रतिशत जी के नाम पर दोगे फिर आप उसमें जो भी मुनाफा डिक्लेयर करोगे उसमें तीस प्रतिशत सरकार को दोगे उसके बाद बचे हुए पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हो और वहाँ से जो रिटर्न आता है उस पर भी टैक्स दोगे आप मान लो आपने कोई एफ कर दी और एफ का सालाना टैक्स दस से ऊपर जाता है तो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा टी कटेगा मतलब प्रॉपर एक सिस्टम ऐसा कि आप एक लेवल से आगे नहीं जा सकते और गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करने के में ज़्यादा हक़ में था आप इसको बैन कर दो वो समझ में आता है कि यार हम हिंदुस्तान में जुआ बंद कर रहे हैं आप जुए को लीगल करो ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रहा है अब क्रिकेट बैटिंग है क्रिकेट बैटिंग लीगल नहीं है और उस पर टैक्स भी नहीं है पर हम क्या मान लें कि कोई आदमी क्रिकेट में पैसा नहीं लगाता कोई बुक की पंटर नहीं होते हैं आप ये देखो ना पूरे के पूरे मैचेस किस लिए हो रहे हैं सारे के सारे मैचेस होते ही इसी ये तो कहने की बात है कुछ चीज़ें बस ना बोली जाए तो ठीक है क्योंकि आजकल पता नहीं ना क्या बोले क्या ना बोले पर मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना बोल देता हूँ तो ये था मतलब बड़ा अजीबो गरीब फैसला बैन कर देते समझ में आता है ये तो ये हो गया कि यार आप हमें अट्ठाईस प्रतिशत दे दो आपका घर उजड़ता उजड़ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र बात है अब एक और ये ये कह रहे हैं कि हम अगर इस सत्र में ये बिल पास हो गया मानसून सत्र चल रहा है इस समय तो एक अक्टूबर से ये रूल लागू हो जाएगा मतलब एक अक्टूबर से अब आप कसिनो में जाओगे दस हज़ार की बाइंग करोगे तो बहत्तर सौ रुपये की चिप मिलेगी आपको ऑनलाइन में अगर आप हजार रुपये जमा करोगे तो सात सौ बीस रुपये मिलेंगे आपको खेलने के लिए और जितनी बार भी जमा करोगे और अगर आप विड्रॉल करते हो तो उस पर तो तीस प्रतिशत टैक्स है ही है चलो ओके गुड बाय थैंक यू